नमस्कार, आप देख रहे हो आपका अपना चैनल स्मार्ट इंडिया न्यूज। आज गांव परागपुर जीटी रोड के नजदीक गोयल हुंडई इलेक्ट्रिक के सामने एक गाय अचानक गहरे नाले में गिर गई। स्थानीय लोगों ने गाय को नाले से निकालने के लिए मशक्कत शुरू की, लेकिन सफलता नहीं मिली तो जेसीबी बुलाई गई और सभी के सहयोग से गाय को बाहर निकाला गया। परागपुर से विनोद सैन लकी की रिपोर्ट। गोयल हंडई इलैक्ट्रिक परागपुर विखे अज गां डिगी नाले में। भाजी ये बारे की कहना चाहोगे? भाई आप जिमें कि पहला पता नहीं गां कहते कि कल ही डिगी हुई है, तो भाई है भाई उन्होंने देखी थी पहला कि गां ना नाले के अंदर फसी हुई है, जी अपने नाला नहीं हों थले फसी हुई थी, तो वह फेसबुक पर से निकल नहीं थी, तो भाई सारे भाइयों ने अपने ने फिर बुला बुलू के ट्रेन ट्रून बुला के ग्डी अंदर वड़ के गां वगैरह क्ढी उन्होंने पानी पुनी पिलाया। पहला तो सारी जिम्मे लत्तं कोई भी काम नहीं कर दिया पियाँ, मतलब सारी कोई भी काम नहीं कर रही, सट्टा सुट्टा भी लगे रगड़ के उन्हें डिग चुकी थी, तो भाई उन्होंने बुलाया सारियां कि गां कढ़ी आओ, फिर ता बाकी सारे गां कढ़ी, बाकी भाई ने किया जो भाई। क्रेन कदों बुलाई गई? क्रेन भाई बुलाई गई उन्हें अपना घंटा को भाजी घंटा भी भाई भाई ने बुलाई है, ता करके आई ने तो कोई अपने सरकार या कॉरपोरेशन कोई तो कुछ करता नहीं भाई, कॉरपोरेशन फोन लाया वो तो कोई आया नहीं भाई। ਭਾਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਰੋਡ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਨਾਲੇ ਦੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਢੱਕਣ ਛੱਡੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਇਹ ਭਾਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗਲਤ ਕੀਤਾ, ਖੋਲ੍ਹੇ ਵੀ ਨਾ ਤਾਂ ਹੋਏ ਕਿ ਤਾਂ ਕਿ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਗੰਦਗੀ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਸਕੇ, ਪਰ ਅੰਦਰ ਭਾਈ ਗੰਦ ਇੰਨਾ ਆ ਤੁਸੀਂ ਹਾਲ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਅੰਦਰ ਵੜੇ ਗੰਦ ਇੰਨਾ ਸਮੈਲ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਫਿਰ ਢੱਕਣ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਫਿਰ ਤਾਂ ਬੰਦ ਹੀ ਰਹਿਣ ਦੇ, ਨਾ ਕੋਈ ਜਾਨਵਰ ਦੇ ਹੋ, ਕਦੀ ਕੁੱਤਾ ਡਿੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਕਦੀ ਕੋਈ ਡਿੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਬੰਦਾ ਵੀ ਤਾਂ ਭਾਈ ਰਾਤ ਨੂੰ ਡਿੱਗ ਹੀ ਸਕਦਾ। ਸਾਲ 'ਚ ਦੋ ਵਾਰੀ ਕੱਢ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਸਾਲ 'ਚ ਦੋ ਵਾਰ।